यहाँ पर अभी एक और बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश में स्टीव की फीमेल आ गई है, तो ये इसकी मदर है बाजी? जी सर। हाँ, ये कलर आपने ना, हाँ, ये लगा लो कि इंडिया में बॉक्सर में ही देखा होगा। हाँ, हाँ, ब्लॉग में नहीं देखा होगा। ब्लॉग में तो यार ये कलर है ही बहुत रेयर ना। जी जी जी। ये कौन सा है, इतना लॉन्ग कोट कैसे है भाई? सर ये इसमें डबल कोट आता है इंग्लिश पेस्ट्री में, जो जो की यूरोप या जहाँ पे स्नो वगैरह होती है वहाँ पे जाकर देखने को। अच्छा, एयो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज आज जो है मैं आपको स्पेशली जो है इंग्लिश में स्टीव के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत कम लोग जो है उसके बारे में अब तक वीडियो बनाई है। सो स्पेशली हम चले हैं उसके लिए हरियाणा के अंदर शाहबाद। सो अभी फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है सुहाना मौसम हुआ हुआ है, तो आप सभी जो है बारिशें हैं, आप इन्जॉय करें, बारिश में पकौड़े शकोड़े खाएँ और अपना घर पर रहें, सेफ रहें, ध्यान रखें, और आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम तो वीडियो डालते रहेंगे। सो ज़्यादा समय लेते हैं, शुरू करते हैं और जल्दी से यार 3 लाख सब्सक्राइबर करा दो। क्या हो रहा है, मतलब 7-8 हज़ार लोग, मतलब इतने लोग वीडियोस देख रहे हैं, 7-8 हज़ार लोग सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से 3 लाख करा दो प्लीज़। सो फिलहाल अभी मैं पहुंच गया हूँ शाहबाद में भैया के पास, और अभी मैं कैमरा टर्न करता हूँ, भैया हमारे को रिसीव करने के लिए खड़े हैं, और रिसीव करने के लिए जो चीज़ भैया लेकर आए ना तो वो मज़ेदार है। क्या बात है, कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो भैया से मेरी पहले से बात चल रही थी, और साथ ही साथ आज हमारे बहुत टाइम के बाद अरुण भाई भी हमारे साथ है। कैसे अरुण भाई, कैसे हो भाई साहब आप? बहुत बढ़िया। तो अरुण भाई के साथ मेरी डिस्कशन हुई थी कि हमें बहुत मज़ेदारी बेहतरीन सा व्लॉग बनाना है इंग्लिश मैस्टिफ के ऊपर। सो आज और साथ ही साथ ना एक बहुत ही प्यारा बच्चा रिसीव करने के लिए आया हुआ है। ओए हेलो, क्या नाम है भैया इसका? इसका है बुली। बुली, अच्छा है ये बुलडॉग। ओए बुली, हेलो हेलो, इसको देख के अलग याद आ गई यार, बहुत प्यारा बच्चा है यार ये, देख रहे कितनी मस्ती से, वैसे ये ब्रीड इतनी मस्ती से सुस्त होती है बट बहुत एक्टिव है। सो भैया ये इसका नाम क्या है, ये मेल है फीमेल है? सर ये मेरा मेल है, 18 मंथ का। अरे 18 मंथ का? यस सर। यार अगर ये 18 मंथ का इतना बड़ा है तो ये आज से 2-3 साल बाद तो क्या ही ग्रोथ होगी इसकी। नहीं सर, ये हमेशा मेरे लिए छोटा ही रहेगा, छोटा बच्चा। ये तो है, ये अग्रेसिव तो नहीं है सर? इसको छोटा बच्चा भी कैरी कर सकता है। ओके, मैं इसको हाथ लगाऊं ना? क्या नाम है इसका? अच्छा वाओ, 2 फुट तो सर ये है ना? नहीं यार लिख देखो यार, फर्क कैमरे से ही पता लग रहा होगा। वाओ क्या बात है। ओए आए, अच्छा अच्छा अच्छा, ओए ये मस्ती है, वो देखो मस्ती खो रहा है यार ये। सो भैया आपके पास ऑलमोस्ट कितने इंग्लिश में स्टीफ हैं, और कौन सी मतलब आपके पास? सर आई हैव अ 2 बॉय। ठीक है, 2 मेल हो गए आपके पास मतलब, है ना? सर आई हैव अ 3 फीमेल। ओके, ब्रिंडल कलर। ब्रिंडल कलर में है? ब्रिंडल कलर। क्या बात है यार, और ये भी ब्रिंडल ही है आपका जो है ना? मैंने चूज करके रखा क्योंकि जो भी फॉन होते हैं ब्रिंडल व्हाइट बुलडॉग की डिमांड होती है, पर मेरे को व्हाइट ब्रिंडल ज्यादा काफी पसंद है, मैं शुरू से ब्रिंडल में ही कर रहा हूँ। अच्छा, आप इंडिया में ये देख लीजिए, ब्रिंडल कलर ये बुलडॉग का किसी के पास नहीं होता, बहुत कम है, बहुत रेयर है। रेयर है, और अभी इसका एक पप्पी दिखाता हूँ आपको। ओके, सो यहाँ पर अभी एक और बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश में स्टीव की फीमेल आ गई है, तो ये इसकी मदर है बाजी? जी सर। वाओ क्या बात है, ये यार ये कितनी एज होगी इसकी फीमेल की? 3 साल के आसपास है। वाओ देख लो, 3 साल, अभी मदर से भी तो अभी से ही ऊँचा है ये ना। ये अलग नहीं दिख रहा है अब तो, ब्रिंडल कलर यार देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत रेयर देखते हैं हम ना इंग्लिश में स्टीफ के अंदर ब्रिंडल कलर ना। सर इंडिया में तो सिर्फ अगर 2-4 इंडिया में है ब्रिंडल कलर तो मेरी होम ब्रीडिंग का ही है, वो साउथ में ही है, नॉर्थ में तो है नहीं। अच्छा नॉर्थ में, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि इस ब्रीड को ना बहुत ज़्यादा लोग नॉर्थ में, बहुत कम लोगों के पास ये ब्रीड है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रीड जो है इसके ऊपर कई मिथ है कि एक तो एग्रेसिवनेस वाली जो एक वो है ना। ये देखिए और ये बच्चे देखिए, अगर आपको लग रहा है। हाँ ये देखो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, ये लीच इसलिए कि इसकी हैवी वजन के लिए। हाँ हाँ, इस समय भी इसका 90 kg के नियर अबाउट है। वाह क्या बात है, तो वो देखो वो तो कितने आराम से फ्रीली घूम रही है, देखो घर के बाहर का सीन है। सो अभी ना भैया फिलहाल यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा इनका जो डॉग अभी आपको दिखाया ब्रिटिश बुलडॉग, उसका पपी लेकर आया है, जो इनका स्टड का पपी है, तो मैं दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारा है यार। अभी मैं कैमरा टर्न करूँगा। सो वाओ क्या बात है, कितनी क्यूट है। वाओ फीमेल है?
हेलो। सो ये देख रहे हो कितना प्यारा पपी है। तो ये कितने टाइम का पपी हो गए? सॉरी आज 38 दिन गए। तो ये मतलब आपका डॉग बेसिकली फादर है ना? जी जी। और इसकी मदर कौन से कलर की थी? फॉन कलर की। सर फॉन कलर की? जी सर। फिर भी यार बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, देखना कितनी प्यारी। ये सर ये देखो ये बड़ा रेयर कलर है, ये बैक साइड देखिए इसकी। हाँ ये कलर आपने ना ये लगा लो कि इंडिया में बॉक्सर में ही देखा होगा, अगर बुलडॉग में नहीं देखा होगा। बुलडॉग में तो यार ये कलर है ही बहुत रेयर ना। जी जी जी। बहुत प्यारे बच्चे हैं यार। आई कितने टाइम का था ये? 38 डे ओल्ड। 38 वाओ। आई काट रहा है काट रहा है। ये बहुत बदमाश है, इसकी चोल वॉकिंग भी दिखाएगा आपको। वाओ क्या बात है। ओए तो भैया अभी फिलहाल सिर्फ आपके पास इसी ब्रीड का एक पपी है या और भी मतलब आपने अभी फिलहाल पपी कोई है? मेरे पास है ये इंग्लिश मैस्टिफ के और इंग्लिश बुलडॉग के पपी अवेलेबल है। तो वैसे यार मतलब भैया मोस्ट ऑफ द टाइम देखो मैं जैसे कि जिनको भी मेरे मतलब हम वीडियोस में हम लेते हैं साथ हमारे वीडियोस में जो भी भाई होते हैं ना, मोस्टली मेरा काम ये रहता है कि मैं आपको जो है एक अच्छा देखो ब्रीड का बेसिकली क्या होता है ना, बुल मैस्टिफ की अगर इंग्लिश मैस्टिफ की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश मैस्टिफ ना बहुत ज़्यादा रेयर है, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ हमारे हरियाणा की तो जो भैया है वो बहुत बेहतरीन ब्रीड कर रहे हैं। और आपको कितना टाइम हो गया भैया इंग्लिश मैस्टिफ ब्रीड करते हो? सर आपने देखा ही होगा डॉग शो वगैरह। हाँ मैं तो बहुत टाइम से पहले से जानता हूँ आपको तो, बट स्टिल आपको फिर भी अगर मैं ऑडियंस को बताऊं कि आपको कितना टाइम काम को लेके डॉगिंग लाइन में मेरे को 20 ईयर हो गए, पर जो मैस्टिफ का काम है वो पिछले 10 सालों से 10 सालों से। वाओ क्या बात है। तो अभी फिलहाल ना हम भैया प्रैक्टिस वगैरह आप यहाँ पे ग्राउंड में ही करवाते हैं? कैसे करवाते हैं? सर ग्राउंड में करा, अभी करा के दिखाएगा आपको। चलो ठीक है अभी हम फिलहाल ना यहाँ से ग्राउंड में चले। हाँ बिल्कुल यार एनी टाइम मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को जितना ज्यादा हो सके हम ऑडियंस को इंग्लिश मैस्टिफ ब्रीड के बारे में बता सके। सो अभी फिलहाल जो है हम एक खाली सड़क पे आए जहाँ पर जो है स्पेशली इनकी इंग्लिश मैस्टिफ की जो प्रैक्टिस वो करवाते हैं यहाँ पर इस सड़क पे। तो मैंने कहा कि यार भैया ज़्यादा डॉग्स को हम तंग नहीं करेंगे, देखिए एक्चुअली क्या गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट हाँ हमें वीडियो बनानी है तो हम जितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं डॉग्स को कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश करते हैं। और आज मौसम भी यार बहुत सुहाना है, देख सकते हो बिल्कुल मतलब ऐसी ठंडी हवा चल रही है ना, अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत गर्मी लग रही थी, बट यार हाँ ठीक है। तो आज जो है स्पेशली देखो मेरा कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना ज़्यादा इंग्लिश मैस्टिफ के बारे में आप सभी को बता सकूँ ना, बिकॉज क्या ना वो ब्रीड जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है और क्या ना उसके बारे में कितना मिथ है और कितनी उसकी डाइट वगैरह बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में है ना एक सवाल उठता है, क्योंकि क्या होता है ना लोग मोस्टली ऐसी ब्रीड को तभी चूज़ करते हैं जब उनके पास स्पेस हो, और असलियत में बताऊँ तभी करना चाहिए जब आप पे इतना बड़ा स्पेस हो कि एक इतना बड़ा यू नो डॉग जो है आप चला सके उसको, यू नो उसके पास इतना स्पेस हो कि वो पूरी अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर सके। अदरवाइज़ अगर आप कहीं ऐसे अपने फ्लैट पे कहीं रखते हैं तो आपको क्या उसको सुबह कम से कम सुबह शाम दोनों टाइम जो है बहुत लंबी वॉक पे ले जाना ज़रूरी है ताकि उनकी एक्सरसाइज होती रहे। सो अभी ये देखो भैया जो है स्पेशली उनको कार में लेके आए हैं ताकि गर्मी ना लगे बिल्कुल भी। हेलो क्या हाल है? तो इसको अभी स्पेशली यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि इसको आराम से जो है मैं थोड़ी सी आपको इसकी प्रैक्टिस दिखा सकूँ, कैसे इसकी प्रैक्टिस कराते हैं और इसके बारे में कुछ जानने का भी हमारे को मिलेगा। अभी जो है अरुण भाई जो है मेरे को थोड़ा सा इस ब्रीड के बारे में बताएंगे, और अरुण भाई को तो जैसे आपको सब जानते ही हैं कि भाई ने जो है बहुत ज़्यादा बहुत बेहतरीन जो है हैंडलर हैं भाई जो हैं बहुत प्यारे ट्रेनर हैं डॉग्स के। तो वाह तो अरुण भाई मुझे सबसे पहले यार एक चीज़ बताओ यार, देखो इस ब्रीड को लेके ना कई लोगों की कई बातें हैं, कई लोगों के ना कई सवाल भी लगा लीजिए, और अपनी अपनी सोच है इस ब्रीड को लेके, क्योंकि एक तो ये इतनी बड़ी ब्रीड है, अगर हम सेंट बर्नार्ड की बात करें सेंट बर्नार्ड के तो एक तो चलो मैं मानता हूँ कि वो कोट बहुत बड़ा है उसका है ना, और एक वो गर्मी बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो इस ब्रीड में भी वही सेम चीज़ है कि ज़्यादा गर्मी मतलब इनको देखो ऑब्वियसली एक बात करें इंसान से कंपेरेटिवली इनको गर्मी ज़्यादा लगती है क्योंकि इनके शरीर पे बाल हम देख ही सकते हैं ना, बट हाँ अगर हम कंपेयर करें सेंट बर्नार्ड जैसी ब्रीड से, और क्योंकि एक तो हाइट में साइज़ में सेंट बर्नार्ड के मुकाबले का ही है। मैं बताता हूँ क्या होता है जी, देखिए है तो जाइंट ब्रीड ही है। हाँ जाइंट ब्रीड है, जाइंट ब्रीड है ठीक है जी। तो एक तो वेट के साथ साथ और दूसरी चीज़ें होने के साथ साथ गर्मी तो इनकी माननी बनती हैं। हाँ बिल्कुल। और आपको पता है सब यूरोपियन ब्रीड हैं सारे, मतलब एक तो एक इंपोर्ट ही है ये, इंडियन टेम्परेचर के लिए बनी नहीं है ठीक है जी, पहली ये बात अपने आपको यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है ठीक है जी। तो हम जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा इनके लिए करते हैं, जो भी इनके लिए एसी कूलर जितना हम कर सकते हैं बिल्कुल करते हैं। हमारे डॉग एसी में रहते हैं हमें इतना पता है, हम रखते हैं क्योंकि हम इनकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई जैसे अगर हम बात करें इसकी डाइट के ऊपर ना, तो इनकी क्या एक डाइट रखते हैं हम? जैसे देखो जाइंट ब्रीड की ऑब्वियसली एक दूसरी ब्रीड से या एक मीडियम साइज ब्रीड से डाइट ज्यादा ही होती है बिल्कुल, बट क्या चीज़ आप इसके अंदर ज्यादा देते हैं, और स्पेशली अगर आप इनको जैसे ये तो स्पेशली आप डॉग्स को शोज के लिए कि ये शो करते हैं ना, शो में जाते हैं और कम्पीट करते हैं और डॉग्स के साथ, तो उनके लिए तो एक अलग डाइट कुछ रहती है इनकी? हम
बात करते हैं, दो तरीके की बात होती है इसमें, एक प्रोफेशनल डॉग तैयार करना और एक आपने घर पर्सनल के लिए आना, अपने घर के लिए आना, पेट तैयार करना है। पेट तैयार करना बिल्कुल, तो हम करते हैं प्रोफेशनल लेवल पे। तो प्रोफेशनल लेवल की बात यह है कि नॉन वेजिटेरियन डॉग हैं, तो हम इनको नॉन वेजिटेरियन तो पक्का, मतलब नॉन वेज तो इनका पक्का बिल्कुल ही है, फाइनल ही है जी। उसके साथ साथ इनके जो हम जरूरत के अनुसार जो हमारे अच्छे वेट हैं, वेटनरियन हमारे जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, वो उनकी सलाह में चलते हैं हम। हाँ, मतलब वेटनरी की एडवाइस बहुत जरूरी है, सप्लीमेंट जो भी वो बताते हैं, टाइम टाइम पे डिवॉर्मिंग करना और सब कुछ इनको जो भी है टाइम टू टाइम इनको प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है, तब जाके ऐसे डॉग रेडी होते हैं बिल्कुल, ठीक है जी। और अगर कोई घर पे भी रेडी करना चाहता है अपना ऐसा डॉग, अगर वो नॉन वेज डाल सकता है तो ठीक है, नहीं तो प्रोफेशनल फूड यूज कर ले। हाँ, थोड़ा डॉग अगर नहीं कुछ है तो फिर प्रोफेशनल फूड तो है ही है बिल्कुल, एक एक ऑप्शन है हमारे पास, एक टाइम पे प्रोफेशनल फूड भी यूज करना पड़ता है ताकि मेंटेन रहे, डाइट मेंटेन रहे, डाइट मेंटेन रहे और क्लाइमेट ऐसा देना पड़ता है। दूसरा इनके साथ टाइम बताओ, तो इसको यार कितनी प्रैक्टिस कितनी देनी पड़ती है डेली एक्सरसाइज? एक नॉर्मल वैसे तो है ये जायंट ब्रीड, बहुत जल्दी थक जाते हैं क्योंकि इनके मतलब का जो क्लाइमेट होता है वो सुबह का टाइम है अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल अर्निंग 5-6 बजे, 5-6 बजे का जी, ठीक है जी, उसमें हम इसकी वॉक कराते हैं, ठीक है जी, क्योंकि जायंट ब्रीड है इनको हम ज्यादा रनिंग वाली एक्सरसाइज नहीं दे सकते बिल्कुल, हम इनको वॉकिंग पे ही डालते हैं सिर्फ, और इनकी वॉक होती है जितनी हम लंबी करा सकते हैं, अच्छा जहां तक हमें लगे कि इतनी जायज है हम उतनी वॉक कराते हैं। सो यार भैया मेरे को एक चीज का जवाब दीजिए कि जैसे ये ब्रीड थोड़ी एक्सपेंसिव ब्रीड को भी हम माना जाता है, ठीक है? हाँ जी, देखो वैसे तो दोस्त खरीदे नहीं जाते, बनाए जाते हैं, ये चीज तो हम सभी को पता है, बट वही होता है ना जो किस्मत में लिखा होता है हम खुद ही चूज करते हैं, हमारे पास वही है, दोस्त चूज करने का एक चांस होता है कि अगर हमारे कोई पेट रखना है, पेट भी एक दोस्त ही है ना, तो हमारे को अपनी अपने मिसाज के हिसाब से हम एक डॉग पालते हैं, समझो ना, कि अगर किसी को लगता है कि उसके पास स्पेस कम है तो वो पग खरीद लेता है, है ना, शरारती भी चाहिए ऐसे, किसी को थोड़ा यू नो खूंखार चाहिए, खूंखार तो नहीं, प्रोटेक्टिव डॉग चाहिए, तो वो बड़ी ब्रीड में जाता है। अगर हर कोई आदमी एक अच्छे पेट एडवाइजर से पेट लेता है ना, तो वो उसका अच्छा ही एडवाइस करेगा, वो पूछेगा कि आपका कितना एरिया है और कितना बजट है, उसके हिसाब से उसके एरिया के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पेट प्रोवाइड करवाएगा। तो यार भैया इस ब्रीड का ना सबसे ज्यादा यार मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो ये बात सच है? इस ब्रीड पे जितना हम सोचते हैं उतना ही खर्चा है? ना, एक डॉग पे खर्चा होना चाहिए ना, उतना एवरेज डॉग पे, उतना एवरेज ही है। अच्छा, ये दिखावे के लिए लोग कुछ भी बोले, देखिए अगर आप कुछ भी इवन एक लैब्राडोर भी आप पाल लो, उसको भी नॉन वेज की जरूरत है भैया, पग को भी है यार, आप पूरा प्रोटीन या कुछ ये भी है सब कुछ है, एक चीज में नहीं, सिरप में या मेडिसिन में कवर नहीं करा सकते आप, उनको भी कहीं ना कहीं जाके नॉन वेज दोगे आप बिल्कुल, ठीक है, तो वही बात इनमें, इनपे भी वही लागू होता है रूल, ठीक है जी, इनको भी वही डाइट की जरूरत है, इनको अपना जितना पालन पोषण के लिए जो डाइट होती है वो तो हमें देनी ही पड़ेगी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो बाकी तो इसका कोई अपने पास अभी फिलहाल पप्पी भी हुआ पड़ा कोई? जी बिल्कुल, अपने पास अभी। तो यार मैं पप्पी का स्टैंडर्ड दिखाना चाहूंगा कि इसका पप्पी का स्टैंडर्ड क्या होता है, तो अभी पप्पी देखते हैं, आपको अभी दिखा देते हैं जी, आप रेडी रहिए उस चीज के लिए। ओए, सो अभी फिलहाल जो है ये बहुत प्यारे जो है इंग्लिश में स्टीव के ब्रिंडल करके पप्पी बाजी दिखाए हैं, वाओ क्या बात है। और ये कौन सा है, इतना लॉन्ग कोट कैसे है भाई? सर ये इसमें डबल कोट आता है इंग्लिश मेस्टी में, जो जो कि यूरोप या जहाँ पे स्नो वगैरह होती है वहाँ पे जाल देखने को। अच्छा, ये क्या बात है, यही मेरे सेवा का वो है। वाह, ये मतलब बहुत ही प्यारा यार, ये बहुत डिफरेंट चीज है यार, मैंने भी शायद पहली बार ही देखी है। क्या बात है, तो जो इसका साइज होता है सर, जो इसकी कदकाठी होती है, कितना टाइम क्या है ये सर? सेम डे है, फिर भी कितना टाइम? एक दिन पालतू है ये बड़े, एज एज क्या है? 40 दिन, 40 दिन, 38 डे है, एक किसकी? इंग्लिश वाले की, इंग्लिश बुलडॉग की। अच्छा, ओए होए, ये लीजिए आप, तो ये दोनों इंग्लिश इंग्लिश ही रखे हैं पाजी ने ना। वाओ, ये वजन है ना इनमें? हाँ वजन है यार, काफी भारी है ये, देखो कितना ही प्यारा है। वाओ, मेरे को मतलब पर्सनली ना यार इस ब्रीड के बारे में जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि मैं शायद ही इस ब्रीड को कभी रखूँ लाइफ में, बट मैंने एक चीज देखी है, क्योंकि मेरे के पास क्या ना यार पाजी स्पेस का थोड़ा कमी है, बट आप स्पेस इसके लिए एक अगर आप रखते हो तो ऑब्वियसली आप, मेरे पास पहले भी कितने सारे डॉग्स हैं, और अगर मैं इस, और सबसे बड़ी बात क्या ना, ये ब्रीड के बारे में मेरे को था कि बहुत एग्रेसिव होती है, बट जब आज मैं इन डॉग्स से मिला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी लविंग ब्रीड है, मतलब बहुत ही नॉर्मल, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स में हम दूसरे डॉग रखते हैं बिल्कुल वैसी ही ब्रीड है। इसके बारे में अगर किसी के माइंड में है कि ये थोड़ी सी अग्रेसिव है, देखो डॉग कोई भी अग्रेसिव हो सकता है, बट एक ब्रीड की जो स्पेसिफिकेशन है वो अग्रेसिवनेस नहीं है इसके अंदर। वजन कितना लगता है सर आपको इसमें? यार 4-5-6 किलो ऐसा, कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा है, एक हाथ दर्द कर चुका है मेरा। ये यानी कि आप जिम भी करते हो तब भी देख लो नहीं कैरी कर सकते। हाँ, क्योंकि इसका वजन ही सबसे मेन है। वाह क्या बात है, बहुत सही है यार बाजी। बाकी आपके कोई इंस्टाग्राम कोई फेसबुक आईडी, अगर लोग आपसे कोई बात करना चाहें तो?
बाकी जब मैं इनके आईडी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। आप इनको वहाँ पर जाके कुछ भी आप इनके जिनसे जो अगर आपको ब्रीड के रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो आप इनके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये भाई हमारे यहाँ पर अभी हम व्लॉग बना रहे थे, तो भाई आए, क्या हाल है भाई? मास्क उतार, ए अब दोबारा लगा ले। तो ये कहीं के पास फोन नहीं था यार, कह रहा फोटो लेनी है, तो मैंने अभी कैमरा ले भाई ऐसे ना, अभी हम एक सेल्फी ले लेते हैं, तो स्क्रीन शॉट ले लियो इसका, ठीक है? ठीक है, ए मास्क उतार। ओके, तो इसका अब तो स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है, और फिर वो फोटो आ गई तेरे पास, ठीक है? अब ट्यूशन चला जा जल्दी से, लेट हो रहा है तू, ठीक है, ट्यूशन के लिए। स्टार्ट करते हैं हम आज के व्लॉग का, एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा और बहुत सारी नॉलेज मिली हो इससे। और हाँ गाइज, हमने जो है फेसबुक पे फूड व्लॉग बनाना शुरू कर दिए, बहुत अमेजिंग अमेजिंग फूड कंटेंट आ रहा है, सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन फेसबुक। आप फेसबुक पे जाकर पुलकित वैम्प सर्च करिए और वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड कीप सपोर्टिंग, लव यू सो मच। और हाँ, मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, मी एंड जतिन, हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारी आईडीज है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।